मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस की बात कर रहे थे, तो हमने कल जब मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करा था, हमने आई वर्सेस एच ग्राफ बनाया था। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करा, ऐसा कुछ। स्टेरेसिस का मतलब होता है कि अपनी प्रीवियस हिस्ट्री पे प्रॉपर्टीज सब्सटेंस के डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जरा देखो, जब हमने इसे मैग्नेटाइज करा तो पहले सेचुरेट हो गया, उसका डीमैग्नेटाइज करने पे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पे क्या कहते हैं, इसका मैग्नेटाइजिंग मतलब कितना मैग्नेटाइज हुआ बचा रहे। यस और नो? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हो गया, ओ बी और ओ ई इज रिटेन्ड मैग्नेटिक फील्ड इन मटीरियल व्हेन एच इज जीरो। इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी चीज, जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया एच, अपोजिट डायरेक्शन, तो कब सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया? ठीक है, इतनी बात। ओसी और ओएफ, इज कोएर्सिविटी। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो, जरा लिखो, इफ इफ बेटा सूर्य, मैंने क्या कहा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि ये पहले साइकिल के दौरान है, मतलब फिर अब इधर से आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन हम इससे ये पता करेंगे, अगर ओ बी और ओ ई बराबर आ रहा है, किसी बड़ा आ रहा है किसी मटेरियल का, तो यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करने के लिए अच्छा सब्सटेंस है। अगर ओ बी और ओ ई बड़ा आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करने के लिए अच्छा सब्सटेंस है। ओ सी और ओ एफ बड़ा आ रहा है, तो मतलब उसको हम डीमैग्नेटाइज जल्दी से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे हम ये आइडिया लगाएंगे। अब लिखो, जरा लिखो, इफ एरिया ऑफ, बता रहा हूं भाई, चिराग भी बता रहा हूं, लिखो, इफ एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्ज, इफ एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्ज, देन लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल इज लार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल इज लार्ज, मतलब हीट एनर्जी का लॉस पर साइकिल क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? लिखो, इन स्टील लॉस ऑफ एनर्जी इज लार्ज, बट इन सॉफ्ट आयरन इट इज स्मॉल।
बट इन सॉफ्ट आयरन इट इज स्मॉल। हमने जब हिस्टेरेसिस करवाया स्टील के लिए तो ये लूप बड़ा मोटा सा आया, मोटा सा आया मतलब लूप का एरिया बड़ा हो गया, और जब हमने सॉफ्ट आयरन के लिए कराया तो छोटा आया। तो लॉस ऑफ एनर्जी स्टील में ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन में कम है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर है बात? ठीक है, अगली बात, मटीरियल हैविंग हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। ये सवाल इस बार जेईई मेंस में आया, मटीरियल हैविंग हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी कैन बी यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट्स, कैन बी यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट्स। अगर हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करा और वो जल्दी क्या कहते हैं अपनी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहा है, या वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइज हो गया, तो दैट कैन बी यूज्ड एज व्हाट परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्टील, लिखो स्टील, एग्जांपल क्या हो गया स्टील हो गया। क्लियर है? क्लियर भाई? ठीक, अब मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी मतलब जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, इतनी बात, जो कम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं उसको हम यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लिखो मटेरियल हैविंग लेस रिटेंटिविटी एंड लेस कोर्सिविटी इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का खेल क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम चाहेंगे, उसकी वजह से परमानेंट मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड बड़े समय के लिए चाहेंगे, और बड़े समय के लिए चाहेंगे तो हमारी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, यस और नो? ठीक है, तो मटेरियल हैविंग लेस रिटेंटिविटी एंड लेस कोर्सिविटी, ठीक है, इतनी बात, उसमें क्या हो गया, क्या कहते हैं उनको, हम कैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसा। ठीक है, एक और चीज, इसका एग्जांपल हो गया सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, क्लियर है भाई? तो इतनी कहानी मुझे आपको बतानी थी किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैंने सारी बातें बता दी आपको। अब क्या कहानी बेटा, इसके बाद अब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक, अब सुनो भाई, अब हम अर्थ की मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ठीक है, अपनी बात, मीटिंग लॉक कर दिया ना, अब कोई एंटर नहीं कर पाया, जो गया वो गया, टी करके कुछ है, सुपर नो, गया चले गया अपने, अब आई नहीं सकता रहेंगे। ठीक है, बढ़िया हो गया। चलो भाई, अब जरा देखो, अब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कॉज क्या है। अर्थ हमारे पास, अगर हम देखें ध्यान से, अर्थ का क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट,
अंदर ये मॉल्टन कोर, ठीक है, और बाहर एटमॉस्फेयर। अब मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? मूविंग चार्ज, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है भाई, घूमता है नहीं घूमता है? तो मॉल्टन कोर में आयंस हैं और एटमॉस्फेयर में भी आयंस हैं। लार्ज टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस वजह से आयंस हैं, और एटमॉस्फेयर में भी गैसीय आयंस हो सकते हैं, कम से कम आयनोस्फीयर में तो होते ही है। अब जब ये अर्थ घूमेगा तो ये आयंस भी गोल चक्कर मारेंगे कि नहीं मारेंगे, जल्दी बताओ मुझे। आयंस भी अगर गोल चक्कर मारेंगे तो आयंस विल बी फॉर्मिंग सर्कुलेटिंग करंट्स, ठीक है। आयंस फॉर्म सर्कुलर करंट लूप्स, बहुत सारे आयंस हैं, सर्कुलर करंट लूप्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट लूप्स आगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आते, कुछ भी हो, हर चीज जरूरी नहीं प्योरली सर्कुलर हो, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बता। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा तो सारे आयंस के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें, क्योंकि एक्सिस क्या हो तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबका सेम होगा कि नहीं होगा? तो जब वो सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हमने ऐड किए तो हमें एक बड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला, उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने एक बार मैग्नेट सा मान लिया, उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने क्या मान लिया? बार मैग्नेट जैसा, ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट ऑफ अर्थ। एंड एक और चीज, इन सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स के वेक्टर सम की वजह से जो इफेक्टिव बार मैग्नेट है वो हमने दिखा दिया यहां पर इमेजिनरी सा, एक्चुअल में अंदर कोई मैग्नेट होता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी सामने मान लिया कि ऐसा कुछ है। क्लियर है? क्लियर भी? अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास ये अर्थ है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है जिसके हम अर्थ रोटेट कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक एक्सिस। ये अर्थ का नॉर्थ और ये अर्थ का साउथ है, ये सुनो, ठीक है, अपनी बात, ये रोटेशनल एक्सिस कह लो आप जो भी कहना चाहोगे, ऐसे करके अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। अब हमारे पास क्या है? ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर, क्लियर है? ठीक है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, यस और नो? ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर, पता है सारी बातें? पता है, ठीक है। अब
अब जो 12 मैग्नेट हमारा आया इफेक्टिव कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया 12 मैग्नेट एट सम एंगल है, अगर एनसीईआरटी देखो तो 11.2 डिग्री दे रखा होगा, ठीक है, विद 12 मैग्नेट की, ये 12 मैग्नेट आ गया, 12 मैग्नेट का ये नॉर्थ और ये साउथ एंड दिस एंगल इज 11.2 डिग्री दे रखा है एनसीईआरटी में, आज के डेट में ये एंगल बदलता रहता है भाई, दिस एंगल डज चेंज विद द टाइम, लेकिन इतना स्लोली चेंज करता है कि हमारे लाइफ स्पैन में कोई ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है, पर क्लियर है, अगर क्लियर है यस लिखो, ठीक है। अब जरा देखो, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, जो डाइपोल है उसकी एक्सिस है, यस और नो, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतनी बात। दूसरा, ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द बार मैग्नेट, हाँ या ना। अब जरा देखो, इसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है तो यस लिख दो। अब मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं बार मैग्नेट के, ऐसे फिर यही अंदर एंटर कर जाएगी, कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, जल्दी बताओ, यह सुनो, ऐसा है कि नहीं। अब मजेदार बात देखो, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर देखो, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की कहानी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सदर्न हेमिस्फीयर में, अगर मैं यहां पर देखूं सरफेस से बाहर की तरफ है, यानी बी वेक्टर टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस होगा, और अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखूं तो बी वेक्टर अंदर की तरफ है, यानी जल्दी बताओ मुझे, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं, ये सरफेस है कहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर का, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे अर्थ के सरफेस से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, यस और नो, यस और नो, ठीक है, ठीक, और अर्थ के सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है, मान लेते हैं कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल, क्लियर है, ठीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे करके अंदर एंटर कर रहा है और अर्थ के सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यस और नो, ठीक है। अब मजेदार बात, अब हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, बी एच इज, अच्छा इसे बी ई कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अपनी बात। अब बी एच इज बी ई कॉस थीटा एंड दिस इज बी वी बी ई साइन थीटा, ये सुनो, सेम वे इधर देखो, बी एच बी ई कॉस थीटा एंड बी वी बी ई साइन थीटा, एक ही अंतर है दोनों में, अंतर यह है
कि नदर हेमिस्फीयर में वर्टिकल कंपोनेंट सरफेस से अंदर की तरफ है नॉर्मल, और सदर हेमिस्फीयर में सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। यस और नो? यस और नो बेटा, क्लियर है? यहां पर एक चीज और दिख रही है, टैन थीटा इज बीवी अपॉन बी एच, सिंपल है, सबको पता है, इतनी बात क्लियर है। अब जा रहे इतनी बात हो गई। अब हम कुछ चीजें पढ़ना चाहेंगे अबाउट क्या कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? इतनी बात को पढ़ने के लिए कुछ क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बात उनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? चलो लिखो सम डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सम डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एन एच और एस एच क्या था? आर्यन, आर्यन कितनी देर पहले बताई थी ये बात? आर्यन पूछ रहा है एनएच और एस एच क्या है, गधा है बिल्कुल, यहां लिखा हुआ है और बताया भी था। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है? अब सुनो भाई, कुछ क्वांटिटीज हमें डिफाइन करनी है, उनको डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया सबने, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब लिखो जरा, सबसे पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन लिख रहे हो सब लोग? लिखो एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। पहले लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं, बना के दिखाऊंगा आपको, 3D में चिंता ना करो। मैंने क्या कहा, At any point on Earth's surface, this is vertical plane containing north-south direction at that point. इसको एक और चीज लिख लो, also defined as vertical plane at any point on Earth's surface, also defined as vertical plane at any point on Earth's surface, such that every horizontal line in east-west direction is perpendicular to this plane. Also defined as vertical plane at any point on Earth's surface, such that every horizontal line along east-west direction passes perpendicular to this plane. अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहले तो इसी पे आते हैं, अरे टीवी बंद हो गया। चलिए अब जरा देखो, यहां मैंने ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, तो ये वाला प्लेन ध्यान समझना, जरा देखो ये जो मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया है, ठीक है? अपनी बात, इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। और अगर कोई लाइन ईस्ट वेस्ट चलेगी तो इसके परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं आएगी? मान लो करनाल यहां पर है, मैंने यहां पर क्या बनाया, ऐसे करके एक प्लेन बनाया, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर भाई? ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, चलो बन गया तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो मैग्नेटिक मेरिडियन, अगला लिखो मैग्नेटिक मेरिडियन, लिख लिया, लिखो एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस,
दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग, दिस इज वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस. दिस इज वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ. अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, ये बढ़िया है. आप ऐसे देखो, दोबारा बना देते, रुक जाओ, डायग्राम दूसरा बना. देखो ये हमारे पास अर्थ है, आपको डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे. ठीक है, अब जरा देखो, मान लो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे एंटर कर रही है, दूसरे कलर से बना देते. ये मैग्नेटिक लाइंस, अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये सुनो जल्दी बताओगे, है ऐसा. अब मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, कोई ऐसा प्लेन जो इस मैग्नेटिक फील्ड को लेके बैठा हो. मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, जिसके डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के अलोंग हो. ये प्लेन, मान लो ये करनाल था, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने प्लेन बनाया, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक
मेरिडियन। ठीक है, अपनी बात ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। एक और मजेदार बात, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा, तो जरा देखो बी डॉट, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता बी डॉट डीएस। अगर मैं यहां पर डीएस लू इसके ऊपर, तो वो तो ऐसे आ जाएगा नॉर्मल टू बी, यस और नो? तो एक चीज और लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब इसी जगह पर अगर मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाऊं तो ये बनता है, हाँ या ना, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, अब आपको ज्योग्राफिक इक्वेटर पता है, मैग्नेटिक इक्वेटर भी पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता ही है। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी, ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो जाएगी, बेटा प्लेन है ये दोनों, ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ है, ध्यान से समझो, ऐसा कुछ है, दो प्लेन है। ठीक है, ये दो प्लेन है, यस और नो? ठीक है, अब क्या कहानी है, ये हो गया हमारे पास, अब दो तीन टर्म और, ठीक है, जो मेन टर्म्स है अभी तक हमने डिफाइन नहीं करी, अभी तक तुम फालतू मजेदार फालतू बातें कर रहे थे। अब जो टर्म है, सबसे पहले सूर्य कह रहा दोनों परपेंडिकुलर, मैंने कब कहा भाई ऐसा, सूर्य ये कब कह दिया मैंने, गधे आदमी, अगर बी यहां पर ऐसा है ऐसे, तो एक बात बता, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और ये हमारा क्या होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, कैसे परपेंडिकुलर हो गए दोनों भाई? सूर्य कतई दिमाग नहीं लगाता है क्या? सूर्य, अरे सूर्य समझ में आ गया, मैंने कब कहा कि यहां पर कब परपेंडिकुलर है, जबरदस्ती की बात है यार। अब सबसे पहले मैग्नेटिक डेक्लिनेशन लिखो, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन लिखो भाई, लिख लिया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अरे भाई डेक्लिनेशन, डी ई सी एल आई एन ए टी आई ओ एन, डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, अब लिखो जरा, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, विद ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन Also, एक चीज और लिखूं फिर समझा रहा हूं, ऑल्सो इट इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स, इट इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स। इट इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे पता चल रहा है, ये जो बी है इसी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होगा मैग्नेटिक, इस जगह पर, यह सुनो, जो बी है
उसी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब और ये एक्चुअल नॉर्थ साउथ है, तो ये जो एंगल इनके बीच में आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट करते हैं बेटा? अल्फा से। अरे क्लियर है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो भाई, अगली कहानी। अरे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। या मैं इसको अल्फा से ना डिनोट करके किससे डिनोट करा था? फाई से। मेरी किताब में फाई से करा तो फाई से कर देते। अब क्लियर है भाई, अगला लिखो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और टिप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और टिप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और टिप एंगल लिखो जरा। इट इज एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस। यानी कि जो मैंने बनाए हुए हैं थीटा, ये एंगल ऑफ क्या है? डिप। यस और नो? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ डिप कहेंगे किसी भी जगह। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो रिलेशन बिटवीन ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप एक बात बताओ, डिप एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक बात बताओ, डिप एंगल ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर, देखो बी ऐसा होगा यहाँ और अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है, जरा बताना जरा, अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखो एट मैग्नेटिक इक्वेटर डिप एंगल इज जीरो। यस और नो? एट मैग्नेटिक इक्वेटर डिप एंगल इज जीरो। लेकिन एक चीज देखो, अगर हम पोल पे देखें, पोल पे लाइंस ऐसे निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी? तो बी ऐसा है, मतलब सरफेस के नॉर्मल है या नहीं लगभग। तो हम क्या कह सकते हैं, एट पोल्स, एट मैग्नेटिक पोल्स, एट मैग्नेटिक पोल्स डिप एंगल इज नियरली 90 डिग्री, डिप एंगल इज नियरली 90 डिग्री। यस और नो? ठीक, अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, आर्यन जो पढ़ाना है वही सब बताऊंगा। अब सबसे पहले लिखो ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप लिखो जरा। ट्रू एंगल ऑफ डिप एंड अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपके पास ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ऐसे होती है एट एन एंगल थीटा, हाँ या ना? ठीक है, और यहां भी देखो एक बार,
ये मैग्नेटिक लाइन है, आंसर। तो इस जगह पे जो बी है ऐसा है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। बड़ा सारा खेल होता है थ्री डी में, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां से देखना, ये हमारा थीटा है या नहीं, ये सुनो, ये थीटा है या नहीं जल्दी बताओ। ठीक है, अब मजेदार बात, ये थीटा तो है। एक चीज और बताई मैंने आपको कि जो हमारा मैग्नेटिक, सॉरी हाँ मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता है। तो अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन बनाता हूं, वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन ये हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताऊं। यह सुनो, यही बताया था मैंने कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा, देखो एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन इज ट्रू डिप एंगल। एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन इज ट्रू डिप एंगल। मैं बना देता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से, आप ऐसे बोलो, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, इसके साथ में ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है। This black one is magnetic meridian. ये किसी भी जगह पर दो प्लेन होंगे कि नहीं होंगे, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन, होंगे कि नहीं जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, होंगे। ठीक है, किसी भी जगह पर अगर आप पकड़ लो, आप यहां पकड़ लो, मान लो ऐसा कुछ, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ऐसे होंगे दो प्लेन की नहीं, जल्दी बताओ। वही मैंने ऐसे बना दिया अलग से। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा ध्यान, ठीक, ये जो ऐसे देखो, मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल कर देता हूँ, ये यहाँ ध्यान दो ऐसा कुछ, ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, कह सकता हूँ ऐसे। ठीक, इनके बीच में जो एंगल होता है उसे डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है, ठीक, इनके बीच में जो एंगल होता है उसे डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ये एंगल हमारा क्या हो गया, यस और। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जरा देखना, ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन पे, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन को होती है कि नहीं होती, जल्दी बताओ।
ऐसे होती भी नहीं होती, कुछ जगहों पे अंदर की तरफ, कुछ जगहों पे बाहर की तरफ, तो ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस मेरिडियन पे बनाई, तो ये एंगल थीटा, दिस इज बी वेक्टर, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। दिस थीटा इज ट्रू डे, दिस थीटा इज ट्रू डे, ठीक है भाई। अब जरा देखो, अब अगर मैं यहां कंपोनेंट्स ले लू, कंपोनेंट्स लेता हूं बेटा, तो जरा देखो इधर की तरफ आया हमारे पास बी एच और इधर की तरफ आया बी वी, आया कि नहीं? बी एच एंड बी वी, यस और नो? ठीक। अब आप एक काम करो, बी एच का एक कंपोनेंट ज्योग्राफिक मेरिडियन वाले हॉरिजॉन्टल पे लिखो, ऐसे इधर, दिस वुड बी बी एच कॉस पर, हाँ या ना? बी एच कॉस पर। अब जरा देखो ट्रू डिप क्या होता है, ट्रू डिप इज थीटा जो मैग्नेटिक मेरिडियन पे है, एंड टैन थीटा इज BV अपॉन BH, मानते हो या नहीं मानते? लेकिन अपेरेंट डिप हम इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेके निकालते हैं, तो अपेरेंट डिप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? थीटा डैश, ठीक है। तो अपेरेंट डिप इज थीटा डैश, एंड टैन थीटा डैश इज इक्वल टू BV अपॉन BH cos pi, ठीक है। अपनी बात, अब मजेदार बात देखो, बी एच कॉस पाई हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, बी एच कॉस पाई हो गया जब ये, ठीक है, तो अब जरा देखो, टैन थीटा डैश इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन कॉस पाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, यस और नो? तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, किसके बीच में आ गया रिलेशन बेटा, आपके क्या कहते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ डिप एंड ट्रू एंगल ऑफ डिप के बीच में। अब कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं, पहले एक चीज और करेंगे, लिखो जरा, लिखो मैग्नेटिक मैप, मैग्नेटिक मैप लिख लिया, बेटा देखो जब आप ग्राउंड पे कंपास रखते हो तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, तो हमेशा कंपास जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट करेगा। तो लिखो जरा, कंपास नीडल, कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग बी एच वेक्टर, कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट अलोंग बी एच वेक्टर, ठीक है भाई। वैसे वर्टिकल मोशन तो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसका, तो किसके अलोंग जा सकता है? बी एच वेक्टर के अलोंग, क्योंकि उसका जो कंपास का प्लस एम माइनस एम होगा, जो पोल्स होंगे उसके, उस पर अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, तो उसकी वजह से क्या कहते हो, बी एच वेक्टर के डायरेक्शन में आएंगे। अरे क्लियर है, जल्दी बोलो यार, कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ बी एच वेक्टर। अब लिखो डिप नीडल, बट डिप नीडल, बट डिप नीडल पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डिप नीडल वर्टिकल होता है, ठीक है, तो वो वर्टिकल भी मोशन कर सकता है, ठीक है अपनी बात। तो डिप नीडल पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले लिखो जरा आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, सब पता है कौन सी क्लास में पढ़ा था? सेवन एट में ज्योग्राफी में पढ़ा था, तुमने शायद ना पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा, ठीक है। लिखो आइसोगोनिक लाइंस, अब लिखो आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस
having equal angle of declination. Line joining places having equal angle of declination. लिख लिया भाई, जहां पर declination angle same होता है उन places को अर्थ के ऊपर join कर दें तो उसको हम isobolic lines कहते हैं. Clear है भाई? ठीक है, अगला लिखो isobonic. isogonic. अरे बेकार से बच्चे हैं यार. Isogonic, G-O-N-I-C, I-S-O-G-O-N-I-C. Isogonic lines क्या हो गए? Line joining those places where declination angle is same. अब लिखो agonic lines. Agonic lines. Agonic lines where declination angle is zero. Where declination angle is zero. Line joining places where declination angle is zero. ठीक है, कहां पर होगा? मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा. नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत एंगल आएगा. ठीक है, चलो मत लिखो उसी. अगला लिखो आइसोक्लिनिक. Isoclinic lines. Isoclinic lines. ये याद रखनी पड़ेगी, ऐसे ही पूछ लेगा आपसे. ठीक है, isoclinic lines medical में तो पूछ सकता है. Line joining places having equal dip. Line joining places having equal dip angle. Line joining places having equal dip angle. अगला लिखो ए क्लिनिक लाइंस. ए क्लिनिक लाइंस. लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग जीरो डिप. अब जीरो डिप कहां होता है? इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे. मैग्नेटिक इक्वेटर वाले जितने भी सर्कल होंगे वो ए क्लिनिक लाइंस होंगे. लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग जीरो डिप. क्लियर है भाई? क्लियर है? यस लिखो यार एक बार. अगला लिखो आइसोडायनेमिक लाइंस. आइसोडायनेमिक लाइंस. लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ बीएच. लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल अर्थ कंपोनेंट दैट इज बीएच. ठीक है भाई,